साइकिल लेके दुल्हन बनके मंडप से भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दूल्हा बहुत खराब है। तो कैसे पकड़िए साइकिल थोड़ी सी बताते हैं। अरे कैसे तुम्हारा दूल्हा खराब है बोलो बेटा। तुम्हारे मम्मी पापा शादी करने के लिए तैयार हुए तो तुम शादी के पहले पूछी नहीं थी लड़के से क्या? उससे पूछी थी तो बोला कि मैं ना ही शराब पीता हूँ, ना ही कोरेक्स, ना बीड़ी, ना गांजा, कुछ भी नहीं पीता हूँ। फिर मैं मंडप पे गई, मेरा जयमाला हुआ और बगल में देखे तो वो शराब भी पी रहा था। उसके दोस्त बोल रहे थे अरे पी ले यार पी ले, तुझे तेरी भाभी के होने वाली भाभी की कसम। तो आज आप भी बताइए कि आज तो मेरी कसम खा रहा है शराब पीने के लिए, कल वो मेरे बच्चे होंगे तो मेरे बच्चों को भी कसम खाएगा। तो बेटा तुमको ऐसे पहले करना ही नहीं चाहिए। तो मैं तो सबसे पूछी थी तो बोले कि नहीं लड़का कुछ नशा पत्ती कुछ भी नहीं करता है। और आप ही सोचिए थोड़ी देर के लिए कि जब मेरे बच्चे होंगे तो वो बोलेंगे कि पापा मुझे बड़ी स्कूल में पढ़ना है, तो उसके पास तो पैसा नहीं होगा। वो बच्चे बोलेंगे पापा मुझे स्कूटी में चढ़ना है, लड़की होगी तो लड़की बोलेंगे पापा मुझे स्कूटी में चढ़ना है, तो बोलेंगे पापा मेरे पापा को पैसा ही नहीं है, पापा को तो पीने के अलावा पैसा कहाँ बचता है। तो बेटा आपको पहले ही सोचना चाहिए, जिसके पास जब लड़कियों की औरत के लिए कोई इज्जत ही नहीं है तो उससे शादी हम करके क्या करेंगे, आप ही बताइए ना। तो बताओ कमी कितनी हुई, कभी तो हो गई ना तुम्हारे माँ पापा की? हाँ वो तो हो गई है, लेकिन वो तो मान लो के हम भाग आए हैं तो थोड़ी देर के लिए बेइज्जती होगी कि लड़की भाग गई है, किसी और से चक्कर था इसीलिए चली गई होगी, लेकिन ये फिर बाद में तू जानेगी ना कि किस लिए भाग कर गई है। बात सही है, तुमने सही किया, तुमने अच्छा किया। हाँ, और जब वो मेरे अभी सिंगा नहीं पुजा पाएगा तो वो बाद में क्या करेगा मेरे लिए, आप ही बताइए ना। तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, अपने देखो पहले की भविष्य को भी सुधार लिया, अपने आप को भी सुधार लिया। हाँ, ऐसे उसको करना ना चाहिए। वो जब आज मेरी कसम, मतलब उसके दो दोस्त क्या मिल गए कि उसके दोस्त से बढ़कर मैं नहीं हूँ उसके लिए, मेरे से बढ़कर बहुत बड़ी भूल है। उसने इस तरह किया तुम्हारे साथ, उसको कभी भी कोई भी माफ नहीं करेगा और लड़की के लिए वो जिंदगी भर तरसता रहेगा। और जो पहला प्यार है, पहली शादी है, उसे कभी नहीं मिलेगा। तुमने अच्छा किया जो अपने आप को बचा लिया, अपने आने वाले बच्चों को बचा लिया। आंटी आज तो मैं हूँ तो मैं सह लूंगी ठीक, लेकिन ऐसे देश में कितनी लड़कियां होंगी जो बेघर हो गई होंगी, जो पति के झंझट पाल कर कितना रोती होंगी दिन रात कूट कूट कर। इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई अपनी जिंदगी खुद सुधारो, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, अपने ऊपर डिपेंड रहो ना, अपने ऊपर खुश बना कर रखो, अच्छा रहो, अच्छा देख कर शादी करो। इसीलिए मैं तो भाग आई हूँ, मेरा कहना जो है तो सही है। सही बात, आपने बहुत अच्छा किया, इसलिए कि अपना भविष्य खुद को सुधारना चाहिए और अपने आप को। हम किसी के ना कहने में शादी करेंगे ना किसी के कुछ बोलने से। नहीं पहले तो बोलेंगे हम कुछ नशा पत्ती नहीं करते, हम अच्छे हैं, लेकिन बाद में कोई लड़की थोड़ी उनके पेट में झांकती है कि हम कैसे हैं कैसे नहीं, वो तो बाद में पता चलता है ना। इसीलिए शादी करने से पहले सोच लें, समझ लें, देख लें और उसे जान लें, इसके बाद ही अपना फैसला सुनाएं। सही बात है, आपने बहुत अच्छा किया बेटा, हम तो आपसे सहमत हैं और सभी जनों से ही सहमत हैं। जो आपके माँ बाप आपके साथ कर रहे थे वो गलत कर रहे थे कि हम जैसे भाग कर आ रहे हैं, तो जो लड़के हैं जो औरतें हैं वो मेरा सपोर्ट करें, मेरे साथ खड़े हों और हम लोग उनके प्रति विरोध करें। हम तो ऐसे माँ बाप से बहुत दुखी रहेंगे और हम उनके लिए तो जिंदगी भर कहेंगे कि अपने लड़की के साथ अन्याय कर रहे हैं। संदेश देना चाहती हूँ कि जो लड़की शादी करे वो शादी के पहले देख ले, समझ ले, उससे बात कर ले, उसके आस पड़ोस में जाकर पूछ-पाछ ले, इसके बाद ही वो अपने शादी का फैसला करे। आप बताइए मैं गलत बोल रही हूँ आंटी? नहीं नहीं बेटा, बहुत अच्छा आपने किया। हम तो सब लड़कियों के लिए यही संदेश देंगे कि शादी के पहले माँ बाप से ये ना पूछे, अपने खुद को पूछे और खुद को समझे कि भाई हमको शादी करना है जहाँ हमारी सारी जिंदगी बिताना है और हमको जिंदगी भर रहना है और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी आना है उसी के साथ में और गुजर करना है ना। तो हम ऐसा नहीं करेंगे
और हम ऐसा देख के करेंगे और माँ बाप के कहने से हम शादी करेंगे। हाँ। पर हम उसको पहले समझ लेंगे। हाँ। अच्छी तरह से तब हम शादी करेंगे। क्या करता है, क्या नहीं करता है, कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता, कितने लड़कियाँ होंगी जो बर्बाद हो जाएंगी, बर्बाद होती है। देखो हर जगह और समझने की सीमा अपने पास से है। देखो हर जगह की लड़कियां रो रही हैं, माँ बाप तो शादी करके दूर हो गए, जिंदगी भर तो उसको झेलना है, झेलना है। और फिर माँ बाप से बताओ ना तो बोलेंगे हो गया बेटा, तुम्हारी भी गलती है। हाँ, तुम्हारी भी गलती वही हो। हाँ। लेकिन ये नहीं जानते कि बेटा की गलती कुछ नहीं है, बल्कि वो बेटा की गलती है जहाँ हमें ले जाकर बांध दिए है। चलो बेटा हमारे घर, तुम खाना पीना खाओ, आराम से रहो, ठीक है? आपको मैं तकलीफ नहीं देना चाहती। अरे नहीं बेटा, आज तुम इतना थकी हुई हो और कितना टेंशन में हो बेटा, चलो तुम खाना खा लो आराम से, फिर हम तुमको घर छोड़वा देंगे। पापा भी बहुत टेंशन में होंगे, कहाँ भाग कर गई है, क्या करती होगी, क्या नहीं, क्यों भाग कर गई, वजह कोई को थोड़ी पता है कि क्या वजह है क्या नहीं। चलिए हो गया, आपके घर ही चलते थोड़ी। चलिए बेटा चलिए चलिए, सबसे अच्छा तो हम शुक्रिया आपका करना चाहते कि आप हमारी फीलिंग को समझी। तो अरे चलिए, मेरे घर पे बहुत सारे लोग हैं, आपको सबसे मिलवाते हैं हम। आज आवाज तो दीजिए, कौन है? अरे वो मेरा घर है, मैं आवाज क्या दूं, आइए ना। क्यों छोटी, क्या कर रही हो? देखो कौन आया है घर पे, कौन है ये? अरे एक लड़की है, कहां से लाई हो? परेशान थी बताओ, ये तो इसके माँ बाप इसके दारू वाले के साथ शादी करते थे। बताइए, दारू वाले के साथ शादी कर दिए तो आप झमेला ला के मेरे घर पे रख दिया? नहीं हो, थोड़ा सा बैठो। लेडीज नहीं है? लेडीज हूँ, लेकिन जमाना ऐसा है कि देखेगा तो क्या बोलेगा कि वो एक लेडीज ला करके उसके घर में रखे। अरे देखो तुम जैसी हो जैसे मैं, जैसे वो भी किसी की लड़की, किसी की बहू, वो लड़की है ना, लेकिन जमाना दूसरा चल रहा है। अरे कोई कुछ नहीं कहेगा, क्यों कहेगा? ठीक है, आप बोलेगा ना दुल्हन के जोड़े में आई है, ऐसा करा घर में दुल्हन के जोड़ा से वो चली आई है, सबके सामने आई है ना। क्या हुआ इनको कि ऐसा जुलाहन के जोड़ा में भाग? अरे मैंने तो बताया ना कि वो दारू पीता था उसका आदमी, उसके माँ बाप तो शादी कर रहे थे, उसकी इसके पूछने के पहले शादी कर रहे थे। चलो बेटा पानी ओनी पी लो, खाना खा लो, आराम से तुमको हम शाम के घर तुम्हारे छोड़वा देंगे, ठीक है? हाँ, चलो बेटा चलो। मुझे कपड़ा भी दे दीजिए, मैं ये चलो सेट उतारना चाहती हूँ। चलो ठीक है ना बेटा, दूंगी, चलो जो हमारे है चलो।